जो हमारे पोर्स होते हैं, लोग बोलते हैं ओपन पोर्स, क्लोज पोर्स, ऐसे कभी नहीं होता। हमारे पोर्स कभी क्लोज नहीं हो सकते, हमारे पोर्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ ओपन ही रहते हैं, लेकिन वो हमको नेकेड आई से जो है ना दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। आपकी पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ पे भी आपकी स्किन है वहां पे आपको पोर्स है, और हर एक पोर में आपके बाल उगते हैं सिवाय आपकी ये हाथों को, ये जो हमारे पाम क्या बोलते हैं पंजे उसको, और हमारे पैरों की जो एरिया फीट उसको छोड़ के। हर एक हेयर के नीचे होता है सेबेशियस ग्लैंड, और ये सेबेशियस ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है सीबम, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये तो हमारी स्किन के लिए बैरियर प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, प्लस ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से ना ये सेबेशियस ग्लैंड है ये ओवर सिक्रेशन करने लगते हैं सीबम का, जिसके वजह से हमारी स्किन एक्सेसिव ऑयली हो जाती है। किसी भी कंटेनर में आप उससे ज्यादा चीजें भर दोगे तो या तो ओवरफ्लो हो जाएगी, या तो अगर वो चीज इलास्टिक होगी तो वो बढ़ने लगेगी। तो सबसे पहले तो क्या होता है, हमारी स्किन में जो ऑयल है वो ओवरफ्लो होने लगता है। आप ऐसा समझो, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ओवरफ्लो होने लगता है, तो जिसकी वजह से ऑयली स्किन आपकी दिखने लगती है। और क्योंकि हमारी स्किन इलास्टिक होती है क्या नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो ऑयल को अकोमोडेट करने के लिए हमारी स्किन जो है वो फैलने लगती है। फिर हमारे जो पोर्स है वो उनका साइज फिर बढ़ने लगता है। वो ओपन जो पोर्स है उसके साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा आपकी स्किन स्मूथ दिखेगी, उतनी ज्यादा आपकी स्किन हेल्दी दिखेगी, इवन दिखेगी। जितने आपके पोर्स का साइज बढ़ने लगेगा उतनी ज्यादा आपकी स्किन का टेक्सचर खराब हो जाएगा, आपकी स्किन अच्छी नहीं लगेगी, मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई नहीं चाहता है कि उसके जो पोर्स है वो विजिबल हो या लार्ज दिखे। तो इसीलिए स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एकदम सिंपल सा तरीका, ये जो आपकी सारी जड़ है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने का, आपकी ऑयली स्किन को रिड्यूस करने का, और आपके जो लार्ज पोर्स है उसको रिड्यूस करके आपकी स्किन को, आपके टेक्सचर को स्मूथ करने का, इवन करने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर टिक करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो भी आप फेस वॉश यूज करते हो वो जेल बेस्ड फेस वॉश या क्लेंजर यूज करो। उसका सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा चीखते रहते हूँ, चिल्लाते रहते हूँ, मुझे पता नहीं आज तक आपने शुरू किया होगा कि नहीं इसको यूज करना, टोनर। इसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो आपके लिए कारगर होगा वो है मिंट लीव्स, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है गाइस। एक पैन में तकरीबन आप 300 से 350 मिलीलीटर पानी लेंगे, और फिर इसमें जो पुदीना है उसकी डंठल के साथ आप इसको इसमें डालेंगे। पुदीने का एक्सट्रैक्ट आपके पोर्स के साइज को श्रिंक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे आधा लेमन, उसका पूरा जूस निकाल लीजिए, उसको पानी में अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं रहना चाहिए, सिर्फ पील चाहिए हमको, और लेमन पील को आप इसमें डाल देंगे, और फिर इसको आप अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे ताकि लेमन और मिंट ये दोनों का एक्सट्रैक्ट आपको ये पानी में मिल जाए, और फिर इसको आप गैस से निकाल देंगे। उसके बाद आप इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ये लेमन और मिंट का जो एक्सट्रैक्ट है इसको आप अलग कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये टोनर बनाने में लगेगी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो आपकी स्किन जो है वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए हम यूज करेंगे राइस वाटर। ये राइस वाटर है थोड़ी सी कुक्ड राइस का, ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए राइस को पका लेना है, कुछ इस तरह से होगा। राइस अभी भी कच्ची है गाइस, तो ये रियल राइस वाटर है जो आपके लिए टोनिंग का काम करेगा, आपकी स्किन को, आपके पोर्स के साइज को रिड्यूस करके आपकी स्किन को टाइटन करेगा। अब ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में आप लेंगे, इसको बॉटल में भर लीजिए, और फिर इसको फ्रिज में स्टोर करके रखिए, और ठंडा ठंडा ये टोनर लेके आप अपनी स्किन में अप्लाई करें। मिंट आपकी स्किन में डेड सेल्स को रुकने नहीं देगा, लेमन आपकी स्किन में ऑयल को रुकने नहीं देगा, और राइस आपकी स्किन को टाइटन करेगा, फर्म करेगा, और इन छोटी सारी चीजें आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगी, श्रिंक करेगी, आपकी स्किन को टाइटन करेगी, फर्म करेगी। डेली फेस वॉश करने के बाद दिन में कम से कम 2 बार इसको आपको लेके अपनी स्किन में अप्लाई करना है। विद इन 2-3 डेज आप इसका रिजल्ट जो है वो अपनी स्किन में देख पाओगे, आपकी स्किन के, आपके जो पोर्स है उसका साइज आपको काफी हद तक रिड्यूस दिखेगा। सेकेंड जो आप कर सकते हो, एक सेरम यूज करें, पोर मिनिमाइजिंग या पोर श्रिंकिंग सेरम।
स्पेशली जो पोर को श्रिंक करने के लिए काम आता है वो है PHA। आपने AHA सुना है, आपने BHA सुना है, उसी तरह से है PHA जो पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड है। ये भी AHA की फैमिली से है लेकिन इसका मॉलिकुलर साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ये PHA आपको मिलेगा द डर्माको के पोर मिनिमाइजिंग फेस सीरम में। यस, इस सीरम में आपको नियासिनामाइड और PHA दोनों आपको मिलता है। नियासिनामाइड काम करेगा आपका जो एक्सेस ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, जिससे आपका जो पोर्स का साइज है जो बढ़ गया है वो मिनिमाइज होगा और आपकी स्किन क्लीन भी रहेगी, क्लियर भी रहेगी और स्मूथ दिखेगी, राइट। PHA जो है वो माइल्ड एक्सफोलिएशन करेगा आपकी स्किन में, तो इसीलिए अगर एजिंग की वजह से और अगर आपको लार्ज पोर्स हो रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है PHA, क्योंकि ये आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ाएगा, कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिससे आपकी स्किन टाइट होगी, फर्म होगी और आपका जो पोर्स का साइज है वो श्रिंक होगा, मिनिमाइज होगा। टोनर अप्लाई करने के बाद 3 से 5 ड्रॉप्स आप इस सीरम के ले सकते हो और उसको अपनी स्किन में अप्लाई करके अच्छे से रब कर सकते हो। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इस सीरम को डेली यूज करें और अगर आपको अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हो तो इसी रेंज में आता है पोर मिनिमाइजिंग क्ले डेली फेस वॉश, जिसको आप यूज कर सकते हो डेली बेसिस पे। ये कंप्लीट रेंज आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नायका पे। द डर्माको की वेबसाइट से परचेज करने का फायदा ये आपको हो सकता है 20% का अगर आप स्किन 2022 कोड यूज करोगे। ये आपको डेली बेसिस पे करनी होती है, दिन में 2 बार करनी होती है, लेकिन हफ्ते में जो आपको चीज करनी है जो आपके लिए बेहद 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 जरूरी है वो है एक्सफोलिएशन। तो इसके लिए मैं आपको एक ऑल इन वन वाला स्क्रब बता रही हूँ जो ऑयलीनेस, पोर्स के साइज और आपकी स्किन की टेक्सचर, कॉम्प्लेक्शन पे भी काम करे। ये स्क्रब बनाने के लिए आपको लेना है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड आपको मिलेगा शुगर से, चीनी से, बहुत ही आसानी से, और इसलिए आपको थोड़ी सी चीनी लेना है, उसको दरदरी पीस लेना है और 2 चम्मच तकरीबन इस चीनी के मैं यहाँ पे ले रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा कॉफी पाउडर। ये आपकी स्किन को सिर्फ ब्राइटन करने के लिए हेल्प नहीं करेगा, आपकी स्किन को, आपके पोर्स को ये टाइटन करेगा। फिर आपको इसमें डालना है थोड़ा सा लेमन जूस, ज्यादा नहीं डालना है, तकरीबन 1 टीस्पून में इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा लेमन जूस डालना है। ये गाइज आपके ऑयल को रिड्यूस करने में और आपके पोर्स को फर्म टाइट करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है लेमन जूस। इसको कभी भी अकेले मत यूज करो, सिंपली मत यूज करो, इसको कभी भी किसी के साथ में मिक्स करके यूज करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर फाइनली ये लेमन के हार्शनेस को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हनी यानी कि शहद। और फाइनली आपको इसमें डालना है चुटकी भर टर्मरिक पाउडर। ये गाइस सिर्फ आपके पोर की टाइटनिंग के लिए नहीं है, स्किन की ब्राइटनिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा स्क्रब है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब क्या करेंगे, इसको यूज करने के लिए ना एक लेमन लीजिए, आधा लेमन, उसको अच्छी तरीके से इसका जो जूस जो है वो निकाल लीजिए, जूस को फेंके नहीं क्योंकि लेमन आजकल बहुत महंगा मिल रहा है, तो जूस को फेंकेगा नहीं। और ये लेमन का जो पील है ये जो हमने निकाला, इसके अंदर ये जो कॉफी, लेमन और शुगर का स्क्रब हमने बनाया उसको इसमें फिल करें और इसको लेके अब अपनी स्किन में अच्छी तरीके से रब करें। शुगर में प्रेजेंट ग्लाइकोलिक एसिड एक AHA है जो आपके पोर्स को रिड्यूस करने में, साइज को रिड्यूस करने में, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ाने में, स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, जिससे आपकी स्किन टाइट और फर्म दिखेगी, स्मूथ दिखेगी और पोर्स का साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस दिखेगा। गाइस ये आपके डेड सेल्स को ना एकदम कंप्लीटली निकाल देता है। सिर्फ 1 टाइम के यूज में आप देखोगे आपकी स्किन कितनी ब्राइटर दिख रही है, कितनी टाइट दिख रही है, कितनी फर्म दिख रही है, आपके पोर्स का साइज ऑटोमेटिकली फर्स्ट यूज से जो आप देखोगे ना श्रिंक होता हुआ दिखेगा। ठीक है, लोग बोलते हैं कि वो ठंडी कोई चीज हम अप्लाई करते हैं जैसे आइस वगैरह तो हमारा पोर्स का साइज श्रिंक होता है, होता है नो डाउट, वो एक टाइप का रिएक्शन है, हमारे जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होते रहती है, तो इसलिए आपको वो होगा, वो टाइटनेस आपको दिखेगी लेकिन वो टेम्पररी होती है, थोड़ी देर के बाद में उसका इफेक्ट जो है वो चला जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये रिजल्ट आपकी स्किन में हमेशा बरकरार रहे तो हफ्ते में 2 बार ही सही लेकिन ये स्क्रब को यूज करें। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से करें, हफ्ते में 2 ही बार करना है, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए करना है, दैट्स इट, उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर सकते हो। और अगर आप एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट चाहते हो, आपकी स्किन के आपके पोर्स एकदम ज्यादा जिद्दी है, कुछ कर लो मानते ही नहीं है, तो आप यूज करें क्ले का कोई मास्क। और ये दोनों चीजें आपको एक्सफोलिएशन और मास्क साथ में यूज नहीं करना है, फेशियल जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अलग अलग दिन पे यूज करना है। आज आप एक्सफोलिएशन करें और एक दिन आप मास्क अप्लाई करें, ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी स्किन इरिटेट हो, तो इन दोनों को अलग अलग दिन पे यूज करें। ये फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी से अच्छा आपकी स्किन से ऑयल को कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, आपके सीबम को कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और आपको ये चीज करना जरूरी है क्योंकि आपका जो पोर्स का साइज है वो ऑयल की वजह से ही बढ़ गया है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके डीप पोर्स में से जाके ऑयल को एब्जॉर्ब करती है। फिर इसमें डाले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर की और डाले थोड़ा सा लेमन जूस
और फाइनली इसमें डालना है थोड़ा सा दही। बस ये सारी चीजों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये फेस पैक आपके पोर्स के साइज को रिड्यूस करने के लिए, श्रिंक करने के लिए, आपकी स्किन को फर्म और टाइट करने के लिए, आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए और आपकी स्किन को यूथफुल बनाने के लिए, टाइटन करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। मुल्तानी मिट्टी आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आपकी स्किन जो है ना वो ज्यादा सीबम को प्रोड्यूस कर रही है और इससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं जो आपकी एक्सेस सीबम को एब्जॉर्ब करेगी। तो इसको अच्छी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और फिर आपको वेट करना है, ज्यादा नहीं वेट करना है, एकदम सूखने तक आपको इसको वेट नहीं करना है। 15 मिनट इनफ हो गए, 15 मिनट के बाद में आप अपनी स्किन को नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। इसके बाद में आप अपनी स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करें और अगर आप चाहते हो तो डर्माको का पोर मिनिमाइजिंग मॉइस्चराइजर आता है इसी रेंज में, वो आप यूज कर सकते हो। डर्माको के प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि डर्माको के आपसे सारे प्रोडक्ट 100% फ्रेग्रेंस फ्री है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप डर्माको के कोई भी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं एक चाइल्ड से, एक ऐसे बच्चे से जिनको वो एजुकेट करते हैं अलोंग विद भूमि। तो उन्होंने एक्चुअली प्लेज लिया है कि 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को वो हेल्प करेंगे। तो ऐसे में आप भी इस नेक काम में अपना इनपुट, अपना योगदान दे सकते हो अगर आप डर्माको के कोई भी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करोगे आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो चीज है वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाए बिना आप ना बाहर निकले ना घर में रहे, 9 से 5 के बीच में आप अपने फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई करके ही रखे क्योंकि सन क्या करता है आपकी स्किन का हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन छीन लेता है, आपकी स्किन को डिहाइड्रेटेड कर देता है। ना आपकी स्किन एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करना चाहिए ना आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन में आपके पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं। इसीलिए उससे बचने के लिए आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी बेहद जरूरी है। जेल बेस्ड क्लींजर, एसिड वाला टोनर और पोर मिनिमाइजिंग सेरम, स्किन को आपकी टाइटन और एक्सफोलिएट करने के लिए कॉफी का स्क्रब, क्ले वाला मास्क और फाइनली आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा आपकी स्किन की ये सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करके, आपके पोर्स को मिनिमाइज श्रिंक करके, उसके साइज को रिड्यूस करके, आपकी स्किन को स्मूथ करने के लिए, आपकी स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके लिए और ढेर सारे सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स जो आपके घर में बजट में आप आसानी से कर सकते हो लेके मैं हाजिर होंगी, मैं राबिया, इसी चैनल राबिया स्किन केयर पे। तब तक के लिए आप खुद अपनी स्किन का और अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान दे। मैं राबिया साइनिंग ऑफ फिलहाल के लिए, मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।